Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. देश की राजधानी दिल्ली में आज भी टैक्सी, ऑटो और टैक्सी चालकों की हड़ताल जारी है। ऐसे में दिल्ली की सड़कों पर उतरने के समय सबको इसका ध्यान रखना जरूरी है, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऑटो, टैक्सी और कैब सेवा मिलने में विलंब हो सकता है। ऐप आधारित कैब सेवा प्रदाता कंपनियों के खिलाफ ये हड़ताल बृहस्पतिवार से जारी है। हालांकि बृहस्पतिवार को हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला था। अब ऑटो और टैक्सियां चल रही थी, लेकिन आम दिनों की तुलना में इनकी संख्या काफी कम थी। इसके साथ ही आंदोलनकारी चालक चल रहे यात्री वाहनों को रोकने की कोशिश भी कर रहे थे। कुछ तो ऑटो ऐसे थे जिनके साथ तोड़फोड़ भी की गई और ये घटना भी सामने आई। आंदोलनकारी संगठनों का कहना है कि बृहस्पतिवार को हड़ताल के पहले दिन बहुत से चालकों को इसकी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो अपना वाहन लेकर सड़क पर उतर गए थे। और शुक्रवार को ये स्थिति नहीं रहेगी, क्योंकि अब हड़ताल के बारे में सबको ही पता चल गया है। आपको बता दें कि दिल्ली NCR में 15 से अधिक प्रमुख ऑटो टैक्सी चालकों ने 2 दिवसीय संयुक्त हड़ताल की घोषणा की है। आशंका है कि 1 लाख ऑटो और 4 लाख टैक्सियां, जिनमें 1 लाख से अधिक कैब है, हड़ताल है इनकी और ये इससे प्रभावित रहेंगे। हड़ताल करने वाले संगठन का आरोप है कि एक तरफ जहां ऐप आधारित कैब सेवा से ऑटो टैक्सी चालकों को नुकसान हो रहा है, वहीं कैब चालकों का ऐप कंपनियां शोषण भी कर रही है, उनसे मोटा कमीशन लेती है और इसी तरह बाइक टैक्सी और ई रिक्शा के कारण उनके रोजगार को नुकसान पहुंच रहा है। उनका कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कोई भी इस पे कदम नहीं उठाया जा रहा है, कोई रोक नहीं लगाई जा रही, इसलिए चालकों के हित में उन्हें हड़ताल करना पड़ रहा है।